Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are good. Today we will do our maths work. In this class, I am going to tell you how to do add sums. Add sums of single digit. This is your new work. Are you ready? Are you excited? You want to learn how to add? Okay, let me show you some examples of this. Okay. Come with me. Yes, beta, to understand how to add sums. Okay, first of all हमें ये sign की पहचान करनी है. Yes, what is the sign of add? Yes, this plus sign of add is the sign of addition. Okay beta, understand? Okay, addition means to add more numbers. हम जब एक number में उसमें और ज़्यादा numbers add करते हैं. Okay, so yes, here are the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are 1 to 10 numbers. Okay, but humne jo add sums karne hai, wo single digit sums karne hai. Okay, that means 1 to 9 numbers are the single digit numbers. Usme 10 number nahi aata. Okay. 10 is a double digit number, 10 है ना. ओके, तो हमने अपने add sums में 10 को add नहीं करना. ओके बच्चे, and so let's start our activity. Yes बेटा, yes, what is this? This is 0, और 0 means nothing. ओके, so let's start our activity. Yes बेटा, see, here I have written 2 and this is the sign of plus. मतलब 2 में हमने कितने और numbers add करने हैं? 3. Okay, तो मैंने कौन से objects रखे हैं यहाँ पे? I have placed 2 pencils here. Okay, and I have इसके नीचे मैंने 3 pencils और रख दी हैं. Okay, तो let's count the pencils all together. अब हमने इकट्ठे इन pencils को count करना है. Then we will get the answer. Yes, let's start. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5, and 5 will be the answer. Kitni pencils hai hamare paas total? There are 5 pencils. Okay, humne 2 mein add kiye 3 numbers. 2 pencils mein 3 pencils add kari, to hamare paas total kitni pencils ho gayi? 5. Okay, so let's count number 3. और 3 में हमने कौन सा नंबर ऐड करेंगे हम? 1. ओके, इट्स 3 प्लस 1. ओके, सो 3 के नीचे मैंने कितने बीट्स प्लेस किए? 1, 2, 3, और 1 के नीचे 1 बीट. ओके, सो लेट्स काउंट ऑल टुगेदर दीज बीट्स एंड वी विल गेट द आंसर. यस, 1, 2, 3 एंड 4. यस, हाउ मेनी टोटल बीट्स आर देयर? There are total 4 beads. Okay, so हमारा answer क्या आएगा? It will be 4. 3 plus 1 कितने होते हैं? 4. Okay, yes बेटा, suppose आपके पास 6 colors हैं. You are having 6 crayons, 6 colors, और मैम आपको 2 और colors दे रहे हैं. ठीक है, तो आपको काउंट करके मैं आपको बताने हैं कि आपके पास टोटल कितने कलर्स हो जाएंगे. तो हाउ यू विल काउंट? 6 प्लस 2, दिस इज द साइन ऑफ ऐड, कि 6 में आपने 2 और ऐड करने हैं. तो यस, लेट्स काउंट ऑल टुगेदर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, यस, 7, 8. हाउ मेनी टोटल कलर्स आर देयर? देयर आर टोटल 8 colors. तो answer will be 8. आपके पास कितने colors हो जाएंगे? 8 colors. Okay, now let's add 7 plus 3. Okay, तो मैम ने यहाँ पे क्या place किया है? मैम ने यहाँ पे dry leaves रखे हैं. Okay, मैम ने यहाँ पे कितने dry leaves रखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और 7 लीव्स में हमने कितने नंबर्स ऐड करने हैं? 3 मोर लीव्स हमने ऐड करने हैं. ओके, सो हियर काउंट. 1, 2, 3 है, इधर 3 है, इधर 7 है, इधर 3 है. तो हाउ यू विल काउंट? आप कैसे काउंट करोगे? यू विल काउंट
लीव्स ऑल टुगेदर, आप इकट्ठे सारी लीव्स इकट्ठे काउंट करोगे. सो लेट स्टार्ट, यू हैव टू काउंट विद मी. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यस, हाउ मेनी टोटल लीव्स आर देयर? देयर आर टोटल 10 लीव्स. द आंसर विल बी 10, 1, 0, 10. ओके, सो लेट्स ऐड नंबर 9. 9 में हमने कौन सा नंबर ऐड करना है? नंबर 8. तो मैम ने 9 के नीचे कितने चॉक्स रखे हैं? हेयर आई हैव प्लेस्ड 9 चॉक्स एंड हेयर आई हैव प्लेस्ड 8 चॉक्स. ओके, सो लेट्स काउंट द चॉक्स ऑल टुगेदर. क्योंकि हमने टोटल ही चॉक्स काउंट करने हैं तो हम सारे चॉक्स इकट्ठे काउंट करेंगे. सो काउंट विद मी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. तो टोटल कितने चॉक्स हैं ये? 17. ओके बेटा, सो नाउ वी विल ऐड 6 में हम क्या नंबर ऐड करेंगे? वी विल ऐड नंबर 0. 0 मीन्स नथिंग. 0 का मतलब होता है हमने कुछ भी ऐड नहीं करना इसमें. 0 मीन्स नथिंग. ओके, 6 + 0. ओके, क्योंकि देखो मैम ने 6 के नीचे 6 स्पून्स रखे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर 6 स्पून्स. और 0 के नीचे मैम ने कोई भी स्पून नहीं रखा, तो वॉट विल बी द आंसर? 6 + 0 will be 6. ओके, जब भी हम 6 में कोई नंबर नहीं ऐड करते, जब हम 0 ऐड करते हैं, तो हम क्या आंसर हमें मिलता है? विल गेट द नंबर इट्सेल्फ. ओके, जब कोई भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वही होता है. वो जैसे 6 + 0 दैट विल बी 6. 8 + 0 क्या आएगा? 8. 9 + 0, 9. ओके, 5 + 0, 5. ओके, सो लेट्स डू ऐड सम्स ऑन द बोर्ड. यू हैव टू राइट डे. ओके, WEDNESDAY, वेंसडे. एंड हेयर यू हैव टू राइट डेट, 6.1.2021. ओके, एंड हरी अप, राइट डाउन द हेडिंग. ADD ऐड सम्स, SUMS sums. Okay, yes, leave this line. Okay, and here put one dot. Okay, now you have to write with me. Here write down 0, 1, and isi 0 ke andar fir se likho 0, 1. Okay, and here is dot ke niche you will put the sign of plus. This is the sign of plus. और आपको इसको कैसे रीड करना है? वन में हमने क्या नंबर ऐड करना है? वी हैव टू नंबर 1. 1 में 1 ऐड करना है. एंड हेयर आपको यहाँ पे इसके प्लस के साइन से लेके यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है ये वाले बॉक्स को. ओके, इसको डार्क डार्क अंडरलाइन कर लेना है. ओके, अब हमने आपने जो भी सम लिखना है उसको रीड भी करना है. 1 में हमने कौन सा नंबर ऐड करना है? 1. ओके, अब इसके लिए हमने क्या मेथड फॉलो करना है? 1 के आगे हमने बॉल ड्रॉ करनी है. ओके, हमने बॉल ड्रॉ करनी है 1 के सामने वाले इसी बॉक्स से. ओके, डोंट लीव एनी बॉक्स. आपको ये बॉक्स छोड़ के, ये नहीं कि यहां से नेक्स्ट बॉक्स से 1-1 बॉल ड्रॉ करना है. नो, आपको जो भी डिजिट दिया होगा उसी से आपको वहीं से नेक्स्ट जो ये ब्लॉक है, ये जो बॉक्स है, इसी में आपको बॉल ड्रॉ करनी है. बहुत सुंदर सुंदर नीट बॉल. कैसे ड्रॉ करनी है आपको, मैम को देखना है. मेक अ 0 और इसके अंदर ऐसे कर्व लाइन बना देनी है. ओके, ये क्या बन गई हमारी बॉल. ओके, अब इसके लिए एक और, ये भी कितना नंबर है? दिस इज नंबर 1. तो 1 के आगे कितनी बॉल्स हम ड्रॉ करेंगे? अगेन हियर वी विल ड्रॉ 1 बॉल. ओके, 1 के आगे 1 बॉल, इस 1 के आगे ये वाली एक 1 बॉल. ओके, अब इन दोनों बॉल्स को हमने इकट्ठे काउंट करना है, देन वी विल गेट द आंसर.
आपको सिर्फ बॉल्स ही ड्रॉ करनी है, आपको कोई लाइंस नहीं ड्रॉ करनी, कोई अदर ऑब्जेक्ट्स आपको ड्रॉ नहीं करने ड्राइंग के, जैसे ट्राइंगल, कोई ट्री, कुछ भी नहीं ड्रॉ करना. ओके, यू हैव टू ड्रॉ बॉल्स ओनली. ओके यस बेटा. अब इन बॉल्स को काउंट करने का भी एक मेथड है, ठीक है. जब ये बॉल को आप काउंट करो, कि आपको काउंटिंग आती है ना, यू नो हाउ टू काउंट, काउंटिंग भी आती है, तो आपने ऐसे काउंट करना है और उस बॉल को आपने टिक करते ना करते जाना है जिस बॉल को आप काउंट करोगे. यस, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम वन, दिस इज द वन बॉल एंड दिस इज द टू बॉल. तो कितनी बॉल्स हमने काउंट करी? टू. वन और वन, वन और वन, कितनी बॉल्स हो गई? वी हैव टू बॉल्स. हमारे पास कितनी बॉल्स हो गई? टू बॉल्स. ओके, अभी हमने स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग द एड सम्स. ओके नाउ, तो टू हमने कैसे लिखना है? वी विल हेयर राइट जीरो एंड, और इस वन के नीचे हेयर वी विल राइट टू. यस, तो विल गेट द आंसर. हमें आंसर मिल गया ना, वन और वन बॉल को हमने काउंट किया, वन एंड वन, वन और वन को प्लस करके वन, वन में प्लस वन किया तो आंसर विल बी टू. ओके, अब इसके बाद यू विल लीव दिस लाइन, आपको ये लाइन लीव कर देनी है लाइक दिस. ओके, यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न बेटा, आपको यही पैटर्न फॉलो करना है. नाउ हियर पुट वन डॉट. ओके, नाउ वी विल राइट द नेक्स्ट नंबर. आपको नेक्स्ट नंबर क्या लेना है? जीरो थ्री. आपको नंबर थ्री लेना है और इस नंबर थ्री में आपको क्या ऐड करना है? जीरो टू. तो इसके नीचे यू विल राइट जीरो टू एंड इस डॉट के नीचे यू विल ड्रॉ साइन ऑफ प्लस. दिस इज साइन ऑफ प्लस और प्लस के नीचे वाले बॉक्स से लेके आपको इस बॉक्स तक इसको डार्क करना है. ओके, इस बॉक्स को डार्क करना है हमने, क्योंकि यहाँ पे आंसर लिखना है. ओके नाउ, अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल रीड द नंबर. हमने क्या नंबर यहाँ पे लिखा है? थ्री. तो थ्री के आगे हमने कितनी बॉल्स ड्रॉ करनी है? वी विल ड्रॉ थ्री बॉल्स. थ्री के आगे थ्री बॉल्स और टू के आगे टू बॉल्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. आपको थ्री के नेक्स्ट जो ये वाला बॉक्स है, यहीं से बॉल स्टार्ट करनी है, ड्रॉ करनी. इस बॉल्स को टच करके बनाना है आपको बॉटम लाइन को. यस, वन बॉल बना ली हमने, देन टू, आपको काउंट करते जाना है साथ साथ, देन यहाँ पे थ्री. ओके, अब काउंट करो बॉल्स, वन टू थ्री, थ्री बना ली. अब टू के आगे कितनी बॉल्स हमने ड्रॉ करनी है? वी विल ड्रॉ टू बॉल्स. टू के नेक्स्ट यही वाले बॉक्स से आपको टू बॉल्स ड्रॉ करनी है, वन एंड टू. ओके, नाउ वी विल काउंट द बॉल्स ऑल टुगेदर. अब इन सारी बॉल्स को हमने इकट्ठे काउंट करना है. ओके, काउंट करते जाना है और उनको टिक करते जाना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम फर्स्ट बॉल से स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव. ओके, तो कितनी बॉल्स है ये टोटल? हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? देयर आर फाइव बॉल्स. तो हाउ वी विल राइट? विल राइट हियर जीरो फाइव. ओके, द आंसर विल बी जीरो फाइव. ओके ओके यस, आप इंजॉय कर रहे हो इस न्यू वर्क को? ओके बेटा, नाउ यस लीव दिस लाइन एंड पुट डॉट्स लाइक दिस. ओके, नाउ इस डॉट के नीचे पुट वन मोर डॉट एंड नाउ हियर वी विल राइट नंबर फोर. आई विल राइट जीरो फोर. और नंबर फोर में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे? विल ऐड नंबर थ्री. तो इसी के नीचे हम लिखेंगे जीरो थ्री एंड हेयर वी विल पुट द साइन ऑफ
प्लस, ओके नाउ प्लस के साइन के अंदर यहाँ इस बॉक्स तक हम इस बॉक्स को डार्क करेंगे आंसर के लिए, ओके okay? अब ये नंबर कौन सा है, हमने क्या नंबर ऐड करने हैं, फोर में हमें ऐड करना है नंबर थ्री को, ओके okay? तो फोर के आगे हमने कितनी बॉल्स ड्रॉ करनी है, यस टेल मी, विल ड्रॉ फोर बॉल्स, ओके सो फोर के इसी नेक्स्ट बॉक्स से हम बॉल्स ड्रॉ करेंगे, ओके okay? काउंट करते जाएंगे, वन टू थ्री एंड फोर, यस वन टू थ्री फोर, और थ्री के आगे हमने कितनी बॉल्स ड्रॉ करनी है, थ्री, हमने जब बॉल्स ड्रॉ करनी है तब भी काउंटिंग बहुत ध्यान से करनी है, ओके okay? अगर हमारी बॉल्स गलत हो गई, कम ज़्यादा हो गई, तो हमारा पूरा सम बेटा रॉन्ग हो जाएगा, ओके सो बी केयरफुल, सो थ्री के आगे हमने कितनी बॉल बनानी है, थ्री, वन टू एंड थ्री, ओके नाउ अब आंसर के लिए हमने इन सारी बॉल्स को इकट्ठे काउंट करना है, सो लेट्स काउंट दीज बॉल्स ऑल टुगेदर, लेट्स स्टार्ट द काउंटिंग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ओके तो आंसर क्या है, सेवन, टोटल कितनी बॉल्स हैं, सेवन, हाउ वी विल राइट, जीरो के नीचे हम जीरो लिखेंगे और थ्री के नीचे वी विल पुट सेवन, सेवन लिखेंगे, ओके ओके बेटा, सो आपको इसी पैटर्न से अपने सारे एड सम्स करने हैं और बच्चे आपको इन बॉल्स को कलर भी करना है, ओके मैम आपको एक बॉल में कलर करके दिखाते हैं, तो आपको इन बॉल्स को कलर भी करना है, बहुत डार्क डार्क नीट नीट, ओके बेटा, आपको इन बॉल्स को सारी बॉल्स को कलर करना है, ओके बच्चे, ओके बेटा, सो डू प्रैक्टिस ऑफ एड सम्स, ओके।